दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को पहले वनडे में एक विकेट से हरा दिया है। इस रोमांचक मैच में एक वक्त भारत ने 136 रन पर 9 विकेट गिरा दिए। हालांकि टीम इंडिया आखिरी विकेट लेने में नाकाम रही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार है वो वीडियो को लाइक और हम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, इस मुकाबले में मेहदी हसन मिराज ने मुस्तफिजुर रहमान के साथ मिलकर आखिरी विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी कर बांग्लादेश की टीम को जीत दिलाई। इस मैच में आखिर के पलों में भारत की ओर से काफी मिस फील्डिंग देखने को मिली। मेहदी का एक आसान कैच भी छूटा गया और इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा बौखला गए और वह मैदान पर खिलाड़ियों को डांटते नजर आए। दोस्तों, बांग्लादेश की पारी के 43वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के लिए आए, तब 9 विकेट गिर चुके थे और मेहदी मुस्तफिजुर की जोड़ी मैदान पर थी और 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर मेहदी ने ऊंचा शॉट खेला। विकेट कीपर केएल राहुल गेंद के नीचे आसानी से पहुंच गए, गेंद उनके ग्लव्स में आकर छिटक गई। राहुल ने बेहद आसान कैच छोड़ा। इसके बाद रोहित काफी नाराज दिखे, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसके बाद अगली ही गेंद पर मिराज ने थर्ड मैन पर हवा में शॉट खेला। वहां सुंदर मौजूद थे, हालांकि उन्हें गेंद नहीं दिखी और उन्होंने कैच अटेम्प्ट नहीं किया। गेंद ठीक उनके आगे गिर गई। इस पर रोहित भड़क गए और उन्होंने सुंदर की ओर इशारा कर उन्हें डांट लगाई। रोहित उस वक्त काफी गुस्से में दिखे। अब भारत को सीरीज जीतने के लिए अगले दोनों मैच जीतने होंगे। सीरीज का दूसरा वनडे 7 दिसंबर को ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में ही खेला जाएगा। मैच की बात करें तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। केएल राहुल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना सका। राहुल ने 73 रन की पारी खेली। इसके अलावा बाकी बल्लेबाज 30 रन भी नहीं बना सके। दोस्तों, भारतीय टीम 41.2 ओवर में 186 रन पर सिमट गई। रोहित शर्मा ने 27 रन, श्रेयस अय्यर ने 24 रन और वॉशिंगटन सुंदर ने 19 रन की पारी खेली। इसके अलावा शिखर धवन ने 7 और विराट कोहली ने 9 रन की पारी खेली। शाहबाज अहमद और दीपक चाहर खाता भी नहीं खोल सके। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने 5 और इबादत हुसैन ने 4 विकेट झटके। जवाब में बांग्लादेश ने 46 ओवर में 9 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान लिटन दास ने 41 रन बनाए, वहीं मेहदी ने 38 रन की नाबाद पारी खेली। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।